अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे थे। आज हमारा इसका 6th लेक्चर है, टेस्ट एक्सरसाइज 1। जो हम सेल डिवीजन के बारे में पढ़ रहे थे, सेल डिवीजन के रिलेटेड ही एक्सरसाइज है। सबसे पहले है इसके एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, पहला एमसीक्यूज है, द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हैपन इन दिस फेज ऑफ सेल डिवीजन। कि सेल डिवीजन की कौन सी फेज है जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है? प्रोफेज? नो, प्रोफेज में तो अभी न्यूक्लियस की ब्रेकडाउन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। मेटाफेज? मेटाफेज भी नहीं है, एनाफेज भी नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन इसका सी ऑप्शन, टीलोफेज है। टीलोफेज में भी बेसिकली टीलोफेज नहीं होना चाहिए था, क्योंकि टीलोफेज में हमारे पास न्यूक्लियस दो में डिवाइड करता है। तीनों फेज के बाद फर्दर एक जो है वो फेज आती है जिसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं, जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। लेकिन आपकी बुक में उन्होंने टीलोफेज में ही ये दोनों फेजेस इकट्ठी करके बता दी थी, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। फॉर्मिंग इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, इनमें से कौन सी है जो प्रोटीन है? प्रोटीन की टाइप है जीन? नो, डीएनए। डीएनए भी एक हेरिडिटी मटीरियल है। हिस्टोन? यस, हिस्टोन जो है ये प्रोटीन्स है, प्रोटीन की टाइप है जिसके गिर्द जो है वो डीएनए सराउंड हुआ होता है। हमने पढ़ा भी था कि हमारा जो क्रोमोसोम्स है उसमें 60% हिस्टोन प्रोटीन और 40% डीएनए पाया जाता है। तो हिस्टोन इज करेक्ट ऑप्शन। थर्ड, एडिनिन पेयर विद, एडिनिन किसके साथ मिलेगी? ग्वानिन के साथ? नो, थायमिन के साथ। यस, थायमिन के साथ एडिनिन मिलती है। हमने कल भी पढ़ा था कि हमारे पास चार बेसिस है, एक है एडिनिन, एक है गुआनिन, एक है साइटोसिन और एक है थायमिन। इनमें से जो एडिनिन है वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए मिलती है थायमिन के साथ, और जो गुआनिन है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए मिलता है साइटोसिन के साथ। तो एडिनिन किसके साथ मिल रही है? थायमिन के साथ। फोर्थ है, द डीएनए पोजेस नाइट्रोजीनियस बेसिस। डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं? ये वाली एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। तो इसके लिए फिर फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, एडिनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। बी ऑप्शन लिखा हुआ है एडिनिन, यूरासिल, गुआनिन, साइटोसिन। तो यूरासिल तो आरएनए की बेस है, वो डीएनए की बेस नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, फिफ्थ वाला, अली इज ऑब्जर्विंग द जर्म सेल्स रिजल्टेड फ्रॉम मेयोसिस अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मेयोसिस के प्रोसेस में जर्म सेल्स निकले हैं, बने हैं, तो अली इनको ऑब्जर्व कर रहा है। तो उनमें से चूज द मोस्ट विजिबल ऑब्जर्वेशन। तो फिर वो जर्म सेल्स में क्या देखेगा? हैप्लाइड सेल्स? यस, हैप्लाइड सेल्स। हमने पढ़े थे ना कि मेयोसिस के केस में जो रिजल्ट में जो सेल्स बनते हैं, पेरेंट सेल हैप्लाइड डाटा सेल्स में डिवाइड करता है। तो माइटोसिस के केस में वो डिप्लॉइड सेल्स में डिवाइड करता है, तो हैप्लॉइड सेल ठीक है। नेक्स्ट है, डिफाइन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को डिफाइन करें। सेल डिवीजन हमने पढ़ा कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए पेरेंट सेल जो है वो दो डॉटर सेल्स में, दो या दो से ज्यादा डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है। तो इसके दो टाइप्स है, माइटोसिस एंड मायोसिस। तो पेज नंबर 21 के ऊपर सेल डिवीजन मैंने मार्क करके आपको भेजा भी था। तो ये सेल डिवीजन की डेफिनेशन पेज नंबर 21 पर है। हाउ इज माइटोसिस डिफरेंट फ्रॉम मायोसिस? हमने बहुत डिटेल में पढ़ा कि माइटोसिस और मायोसिस के डिफरेंसेस के बारे में। तो उनमें से पेज नंबर 23 पर डिफरेंसेस हैं, तो वो डिफरेंसेस आपने करने हैं। इनमें से चार पांच डिफरेंसेस आप कर सकते हैं कि माइटोसिस मायोसिस से कैसे डिफरेंट है। सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि माइटोसिस में सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड करता है, मायोसिस में चार में करता है। माइटोसिस के केस में जो डॉटर सेल्स है उनमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, मायोसिस के केस में वो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, जेनेटिक वेरिएशंस नहीं होती, मायोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है। माइटोसिस के केस में आइडेंटिकल सेल्स बनते हैं, मायोसिस के केस में डिफरेंट सेल्स बनते हैं। माइटोसिस हमने पढ़ा कि हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, जैसे सोमेटिक सेल्स हैं, उनमें होती है, लेकिन मायोसिस का प्रोसेस हमारे जो जर्म सेल्स हैं एग और स्पर्म उनमें होता है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ जीन? जीन का फंक्शन क्या है? अभी कल ही हमने जीन के बारे में पढ़ा है कि जीन एक फंक्शनल और फिजिकल यूनिट है हेरिडिटी का, और जीन ही है जो हमारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं, कैरेक्टर्स जो हैं, उनको इनहेरिट करता है, एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में पास करता है।
पेज नंबर 25 पे ही इसका आंसर है जो मैंने आपको मार्क करके भेजा था. प्रोफेज इन माइटोसिस इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोफेज वन इन मायोसिस. हाउ? कि माइटोसिस में जो प्रोफेज है वो मायोसिस की जो प्रोफेज वन है उससे डिफरेंट कैसे है, कैसे डिफरेंट है? हमने पढ़ा माइटोसिस की जो प्रोफेज है उसमें जस्ट न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटती है और स्पिंडल फाइबर अपने आप को अटैच कर लेते हैं क्रोमोसोम्स के साथ. लेकिन जो प्रोफेज वन है उसमें एक एडिशनल प्रोसेस हो रहा था क्रॉसिंग ओवर का. प्रोफेज वन में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटी और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटने के बाद हमारे पास क्या हुआ कि जो क्रोमोसोम्स हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उन्होंने अपने आप को एक दूसरे के साथ लिंक किया चियास्मेटा के जरिए रिलेशन और फिर जो है उन्होंने अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज कर लिया. तो कैसे डिफरेंस है? इन मायोसिस वन क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस एंड इन माइटोसिस सिंपली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसइंटीग्रेट करती है. तो डीएनए इज मेड अप ऑफ फोर न्यूक्लियोटाइड. जस्टिफाई द स्टेटमेंट. यस, DNA is made up of four nucleotides and these four nucleotides are adenine, guanine, cytosine, thymine. Adenine pair with thymine by double hydrogen bond. Guanine pair with cytosine by triple hydrogen bond. तो ये justification इसकी है. तो ये भी हमने की है page number 25 पे इसका जो है वो answer है. तो ये थी जी हमारे पास इसकी test exercise 1. कल इंशाल्लाह हम जो है वो हेरिडिटी की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि ये विरासत की इम्पोर्टेंस होती क्या है, क्यों ये जरूरी है चीज, क्यों जेनेटिक वेरिएशंस होनी चाहिए. तो कल हम उसके बारे में पढ़ेंगे. इससे रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन है कोशिश करें कि ये 5 एमसीक्यूज उन्होंने दिए हैं तो 5 एमसीक्यूज आर नॉट इनफ. आपने जितना पढ़ा है आप लेक्चर्स भी लें, कंसेप्चुअल भी मैं आपको बताती हूँ, तो आप 5 से ज्यादा एमसीक्यूज बना सकते हैं, 20 एमसीक्यूज बना सकते हैं. तो आपने काम ये करना है कि आपने एमसीक्यूज ज्यादा से ज्यादा बना के तो मुझे वो पिक्चर्स उसकी शेयर करनी है. मैं फिर चेक करूंगी कि आपने किस तरह से एमसीक्यूज बनाए हैं. तो शॉर्ट क्वेश्चंस जो जो मैंने करवाए हैं पीछे साथ साथ आपने वो भी करने हैं और साथ ये रिव्यू एक्सरसाइज के भी करने हैं. तो आज के लिए इतना ही. अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़.